नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीए और सीडीएस आईएमए के लिए मैथ्स का वो टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और लगभग यहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि क्वेश्चन एनडीए में तो देखिए कई बार 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आउट ऑफ 120। और सीडीएस आईएमए की बात की जाए तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100 में से जरूर यहाँ से इस टॉपिक से मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में देखिए इसको एपी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में इसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना। एक स्टूडेंट ने हमारा यूट्यूब वीडियो देखा था, उन्होंने हमको फोन करके बोला कि सर आप हिंदी भी बोल दीजिए करिए थोड़ी सी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में नाम समांतर श्रेणी। तो एपी वो सीरीज है जिसमें कि जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ उसको, जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या होगा, वो सेम रहेगा हमेशा। कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या रहे, हमेशा सेम रहे, उस सीरीज को हम क्या कह देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये कितने भी टर्म्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव का मतलब आप जानते ही होंगे कि पहले टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म, सो आई विल चेक द डिफरेंस ऑफ दिस फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 और 2 के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 का है। अगर वही 2 का डिफरेंस बाकी सभी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जितने भी हैं वही अगर 2 हो तो हम उस सीरीज को क्या कह देंगे, एपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 4 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का। 8 और 6 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का। और 10 और 8 के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। सो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सीरीज क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ऐसा नहीं है देखिए कि यहाँ पर टर्म्स बढ़ रहे हैं, 2 2 का इंक्रीमेंट सब में हो रहा है, हो सकता है कि डिक्रीमेंट भी हो रहा हो। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है अपने दिमाग में कि सर इंक्रीमेंट के लिए ही एपी होगा, नहीं, डिक्रीमेंट के लिए भी एपी होना चाहिए। लेकिन यही लॉ जो आपने पहले वाले में लगाया है, यही नियम सेकंड वाले में भी अप्लाई होगा कि डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट भी सेम का ही होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 का क्या है, यहाँ पर डिक्रीमेंट है। तो देखिए जिस सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा हो उसका जो डिफरेंस और इसका प्रॉपर जो नाम है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, C फॉर कॉमन, D फॉर डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, +2 पहली वाली सीरीज के लिए, +2 है ना, ये प्लस है, 1 नहीं है ये, ठीक है, +2। मैं इसको और अच्छे तरीके से बना देता हूँ। और इस सेकेंड वाली सीरीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो किस में है, नेगेटिव में है। अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो पॉजिटिव में होगा और डिक्रीमेंट हो रहा है तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। कई बार आप क्वेश्चन में इसको प्लस की जहां प्लस पुट करना था वहां माइनस पुट कर देते हैं और जहां माइनस पुट करना था वहां प्लस पुट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप ये समझिए कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है किसी सीरीज में तो वहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस में होगा, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वहां पर कॉमन डिफरेंस होगा आपका नेगेटिव में। चलिए अब ये जो पहला टर्म है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ए। किसी भी सीरीज का, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सीरीज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से छठवें पर भी कुछ आ रहा होगा एक नंबर।
अगर हमको पता करना है कि 100वीं पोजीशन पर, 100वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर यहां पर आ रहा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन वो टर्म है जो आपको निकालना है, 100वीं पोजीशन पर जो टर्म है अगर आपको वो निकालना है, तो आप एन की जगह क्या यहां पर पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, डी आपको पता ही लग जाएगा, ए क्या है पहला वाला टर्म। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए 100 जो है हो जाएगा आपका कितना, ए प्लस एन एन माइनस वन डी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 100 माइनस 1, और डी कितना है पहली वाली सीरीज के लिए 2 है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई बाई 2, ए 100 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर यहां पर भी ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिए जाए तो यहां पर जो ए एन आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू, और यहां पर जब ए की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 10 है और एन क्या है यहाँ पर 100 है। ठीक है, एन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा क्योंकि एक नंबर है सिक्वेंस का। तो यहाँ पर आप डी देख सकते हैं, डी यहाँ पर है माइनस टू, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हेन यू सॉल्व इट तो ये हो जाएगा आपका 99 मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, और इसके बाद आप इसको लिख देंगे क्या, माइनस 198। 10 माइनस 198 को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, माइनस 158। क्लियर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आंसर ही बिल्कुल पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया, कौन सी सीरीज के लिए, दूसरी वाली सीरीज के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, अब एक फॉर्मूला और आता है दोस्तों यहाँ पर एस एन, है ना। अब चलिए मान लीजिए पहली वाली ही सीरीज में ले लेता हूँ, और फर्स्ट सीरीज क्या थी, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब एस एन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पर ये 2 ए भी है ना। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलिए यहाँ पर अगर देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ टर्म तक जितने भी टर्म्स आपके आए हैं उन सभी टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखो फिफ्थ टर्म के लिए आप एक तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे, तो यहां से आपको कैलकुलेट करना हो 2 एंड 4 आर 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 हो गया। फिफ्थ टर्म तक जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है, उनका सम कितना है, यहाँ पर उनका सम आया है दोस्तों 30। अब देखो फॉर्मूले से मैं करके दिखाता हूँ क्या फॉर्मूले से 30 आएगा या नहीं। तो चलिए आएगा ही, वैसे तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो सीधे हम इसको क्या लिखेंगे S5। फिफ्थ टर्म तक जितने भी टर्म हैं सीपी के उन सभी का सम n बाय टू मतलब 5 बाई 2। 2a, 2a का मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 2 है तो 2 2 4, और 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/2 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस यहाँ पर, और ये हो गया 4 2 8। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, और मल्टीप्लाई में हो गया ये 5/2, और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 6 टाइम 5 6 आर 30। अब देखो फिफ्थ टर्म तक था तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या आपने क्या किया, पहले में दूसरा जोड़ा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा, तो आपने 30 निकाल लिया। लेकिन अगर ये 100 टर्म तक अगर मैं पूछता आपसे तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती दोस्तों, फिर आपको जरूरत पड़ती फॉर्मूले की, है ना। तो फॉर्मूला आर द बेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में, फॉर्मूले की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब बहुत ज्यादा टर्म तक का सम पूछा हो। आप देखो ऐसे करते जाओगे ना, 100 टर्म तक तो पहले से लिखना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ते जाओगे तो पूरी शीट भर जाएगी, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है आपके पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक और फॉर्मूला है यहाँ पर एस एन का,
एन बाई टू ए प्लस एल। अच्छा ये एल क्या है, ये है सीरीज का आखिरी टर्म, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म ये है, और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ये ए एन है। एल मतलब क्या है, यहाँ पर ए एन है, इससे आपको ये पता लगेगा एन की वैल्यू क्या है, फिर एन की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें कम हो जाती है, और किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, पहले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वहाँ पर ए एन आपको नहीं दे रखा होगा, वो जब अप्लाई होगा, अगर ए एन आपको दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर ये वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ इसके। तो जैसे कि देखिए, मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी ऑफ क्लास टेंथ, क्योंकि बेसिक है, यहीं से शुरू होगा सारी चीज़ें, और एनडीए में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और सीडीएस में भी। अब ये जो सीरीज है, ये एपी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि ये सीरीज क्या है, एपी है, तो बीच में कौन सा टर्म आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो कोई सीरीज एपी है और बीच में यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि एपी के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके डिफरेंसेस क्या रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग अपना क्यों खर्च करो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए x, तो जैसे देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था 2, 4, 6, 8, तो वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने ये किया था कि 4 में से 2 माइनस करने पर जो आए वही आना चाहिए 6 में से 4 को माइनस करने, और वही आना चाहिए 8 में से 6 को माइनस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 2, 2 आ रहा है यहाँ से सबसे, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पर x में से 2 को माइनस करने पर वही आ रहा होगा जो 26 में से x को माइनस करने पर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x वाला आप एक तरफ रखिए, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो x को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 28, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 40, ठीक है ना। तो इस डिब्बे में क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, अब जरा क्रॉस चेक कर लो, 2 और 14 का डिफरेंस कितना, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है 12 का, और 12 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 14 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 12 का, 14 में 12 जुड़े तो कितना हो गया 26। तो ये क्या है, बिल्कुल सही, जो आपने आंसर निकाला है उसको क्रॉस चेक भी हमने करके दिखा दिया। चलिए देखिए, अब इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहां पर पहले वाले बॉक्स में कुछ नहीं है, फिर दूसरा वाला बॉक्स है यहां पर है 13, ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है ये, और उसके बाद है यहां पर, एक मिनट, ठीक है, और ये सीरीज भी अगर क्या है, एपी है, पहले ही मेंशन होगा आपके पास क्वेश्चन में कि ये सीरीज क्या है, एपी है, तो इन दोनों बॉक्सेस में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन दोनों बॉक्सेस में आप यहां पर देखिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, और यहाँ से आप देखेंगे पहले कि इस वाले यहाँ पर बॉक्स में क्या, आप मान लीजिए x मान लीजिए, तो वही कंसेप्ट, x में से 13 को माइनस करने पर वही आ रहा होगा जो 3 में से x को माइनस करने पर आ रहा होगा, ठीक है। तो x वाले एक तरफ और 13 प्लस 3 यहाँ पर, और 2x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 16 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 8 हो गया। तो ठीक है, इस x के स्थान पर यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दिस x वी विल पुट हियर 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 में ऐसा क्या हुआ कि ये 8 हो गया, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट आप देख रहे हैं ना, तो डिक्रीमेंट का पता तो वैसे भी लगा सकते थे, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है, तो डिक्रीज ही हुआ होगा, 13 में 5 का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया 8, और फिर 8 में ही कितने का डिक्रीमेंट हुआ होगा, 5 का, फिर क्या हो गया 3। अब 13 भी तो डिक्रीमेंट होके ही आया होगा किसी में से,
तो 13 कोई ऐसा नंबर जिसमें से 5 माइनस करो और क्या आ जाए 13, तो आपके सामने है वो नंबर, ठीक है ना, 18। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 18 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 13। तो पहला वाला यहां पर पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा 18 आएगा, और दूसरे वाले बॉक्स में यहां पर क्या आएगा दोस्तों 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ आप देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि देखो A100 की हमने बात की, A100 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस वन डी के कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पर, 100 माइनस 1D, ठीक है। तो ये देखो 100 माइनस 1 है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 99। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लिखेंगे आप तो आपके 5-10 सेकेंड चले जाएंगे वेस्ट। A100 को आप सीधे लिखना सीखिए, A100 को जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि A+99D, कहने का मतलब 1 क्या होता है यहां से माइनस होके आता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि A98 लिखना है आपको तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, आप ये N98-1 करेंगे, इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, तो आपको सीधे ये क्या लिखना सीखना है, A+97D। इसी तरीके से A199 को अगर आपको लिखना है तो क्या आप लिखेंगे, 1 माइनस करके लिखेंगे, A+198D, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फ्रेम में इसको करवाता हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से क्या है डिविजिबल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना आपके पास, वो ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन आपका एपी का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच, तो देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। क्या 107 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। क्या 1017 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। क्या 1037 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 1047 से डिविजिबल है, नहीं। तो पहला नंबर जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है वो क्या है, 105, ठीक है। वो क्या है, 105 है, तो उसको ऊपर वाले को मैंने रफ कर दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल है उनकी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 105 से। अब देखो 7 से डिविजिबल है तो कितने का डिफरेंस होगा सब में, 7 7 का, जैसे कि 7 के टेबल में पहले 7 आता है, फिर क्या आता है 14, फिर क्या आता है आपका 21, इन सब में 7 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर 7 आप जोड़ दीजिए, दूसरा वाला क्या आएगा 112। अब या तो आप इसको लिखते जाइए 7 ऐड करके तो हो जाएगी शाम आपको, तो आप कहाँ आइए 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर पर। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है क्या दोस्तों आपका, 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो देखिए जरा आप, 7 में 7 और बचा यहाँ पर 2, नहीं है ना। 998 के लिए आप करिए, 998 के लिए आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बना 7 और 2 यहाँ से बचा, फिर 7 4 28 फिर बचा 1, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप एक नंबर के लिए चेक करिए, 994, 7 बना 7, ठीक है, बचा यहाँ पर 2, 7 4 28 बचा 1, और ये यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको मिल गया क्या, 994 जो नंबर है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। क्रॉस चेक करना होगा आप इस तरीके से करते हैं, 7 2 14, 7 4 28 और 28 और 1 कितना हो गया
29 हो गया, 7 7 और 2 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, जो कि 7 से डिविजिबल है, 994। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू क्या है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 7 7 का, और यहाँ पर आपको दे रखा है ए एन लास्ट टर्म है ना 994, और आपसे पूछा गया है एन 1 2 3 4 5 6, अब ये भी किसी एक पर्टिकुलरली प्लेस पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी 994, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 105, और एन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एन माइनस वन इसको लिखिए और डी की जगह यहाँ पर क्या लिखिए 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर 994 में से आप जब 105 माइनस करेंगे और ये इक्वल टू होगा किसके, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 7 के, तो 14 में से आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 माइनस हो गए, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये हो गया 8, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 9 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो गया, ये आपका 9 में से 1 माइनस हुआ तो ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये इक्वल टू है आपका एन माइनस वन 7 के, 7 से आप कैंसिल करेंगे, 7 7 बचा 1 यहाँ पर, 7 2 14 बचा कितना 4, 7 7 49। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 127, और एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 128। ठीक है, एन कभी भी देखो यहाँ पर पॉइंट में नहीं होगा, एन तो एक कंप्लीट पोजीशन होती है ना, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन तीसरी पोजीशन चौथी पोजीशन, तो कोई भी पोजीशन क्या 1.5 में होगी, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 1.5वें स्थान पर जाके बैठ जाइए उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक कंप्लीट नंबर होगा, है ना, पॉइंट में ही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल डिफेंस एग्जाम मास्टरी एंड मैथ्स एंड एक्सपर्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।